नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं 2023 में टॉपर कैसे बने, टॉपर का रहस्य क्या होता है, बनना है तो ये 10 काम अभी से करना शुरू कर दो। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपने सिलेबस के बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा। दोस्तों बहुत स्टूडेंट को तो सिलेबस के बारे में पता होता ही नहीं है और बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है। दोस्तों सिलेबस जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप अच्छे नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं ला सकते। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस ध्यान में रखना होगा और जो सिलेबस आपको मालूम होगा उसी सिलेबस से आप लोगों को पढ़ना होगा। तो दोस्तों समझ गए आप लोगों की, सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में पता होनी चाहिए। सेकंड नंबर देखिए क्या है, टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। दोस्तों दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिया है, टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। यदि आपको सिलेबस की पता है तो आपको टाइम टेबल पर ध्यान देनी चाहिए। जब तक कि आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं रहेगा तब तक आप जो है एक अच्छे डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों टाइम टेबल सबसे पहले होना चाहिए जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में अच्छे नंबर से जो है पास हो सकें, यानी कि टॉप कर सकें। सभी सब्जेक्ट पर ज़रूर ध्यान दें। दोस्तों तीसरा पॉइंट है हमारा, सभी सब्जेक्ट पर जो है आपको ध्यान देना होगा। कोई एक सब्जेक्ट में मन लग जाता है और वही उन्हें सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से दो बार तीन बार बना लेते हैं जिससे कि उनका दूसरा सब्जेक्ट पीछे हो जाता है और वह एक अच्छे मार्क्स लाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यह गलती नहीं करनी है, एक सब्जेक्ट पर ध्यान दिए जा रहे हैं तो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना होगा जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए दोस्तों चौथा पॉइंट हमारा क्या है, चौथा पॉइंट है पिछले साल के क्वेश्चन पर ध्यान दें। आप बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, कैसा उसका स्वरूप होता है, दिखने में कैसा लगता है, क्या क्या ऊपर में लिखा रहता है, कितना समय दिया जाता है, यह पूरी जानकारी आपको जो है पिछले साल के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। कम से कम आप 10 साल के क्वेश्चन जो है पिछले सालों का आप ज़रूर बनाइए। लिखावट पर ध्यान दीजिए। दोस्तों पांचवा पॉइंट है हमारा, लिखावट पर पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए। वह बहुत अच्छे नंबर ला सकते थे लेकिन वह अच्छे नंबर नहीं ला सके क्योंकि लिखावट क्या था, सही नहीं था। यदि आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाएं, टॉप करें तो लिखावट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। छठा पॉइंट है दोस्तों हमारा, मॉडल पेपर ज़रूर बनाएं। दोस्तों आपको हम बता दें कि क्वेश्चन कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये आपको मॉडल पेपर से भी पता चल जाता है। कम से कम आप 5 साल के मॉडल पेपर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। दोस्तों सातवां पॉइंट है हमारा, मोबाइल से बच के रहें। आप मोबाइल से जो पढ़ाई करते हैं या छोड़ दीजिए, इसका मतलब है कि आप अभी पढ़ाई के अलावा जितना भी चीज़ मोबाइल से करते हैं उसको कुछ दिनों तक के लिए छोड़ दीजिए जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। मोबाइल लीजिए लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ाई वाला देखिए, अपना ही सिलेबस देखिए। आठवां पॉइंट है दोस्तों, फार्मूला पर ध्यान दीजिए। फार्मूला पर आप हमेशा ध्यान दीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है यदि आपको फार्मूला सटीक याद हो तो। दोस्तों फार्मूला से गणित में हर एक साल 30 नंबर से 40 नंबर तक के सवाल डायरेक्ट आता है। और दोस्तों नौवां पॉइंट है हमारा, अपने नोट को बार बार पढ़िए। आप जो भी नोट्स बनाते हैं उसको जो है बार बार पढ़िए। और दसवां पॉइंट है दोस्तों हमारा, ग्रुप डिस्कशन कीजिए। दो चार स्टूडेंट जो हैं मिलकर आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताए हैं 2023 में टॉपर कैसे बने,
दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।